नमस्कार दोस्तों दोस्तों एफडी और आरडी में पैसा लगा करके पैसा कमाना सबसे सुरक्षित और आसान जरिया माना जाता है। लेकिन अगर आप एफडी और आरडी जैसे पारंपरिक निवेश साधनों से अलग हटकर किसी दूसरे निवेश साधन में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में पैसे लगाना शेयर बाजार में पैसे लगाना जितना ही रिस्की होता है। आप एपिसोड को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात आईपीओ की है तो 31 अक्टूबर को मामार्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर का आईपीओ आम निवेशकों के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको आगे होनासा कंज्यूमर और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई होती है उसकी भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले होनासा कंज्यूमर कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो यह ब्यूटी और पर्सनल केयर सेक्टर की कंपनी है। 2016 में इसकी शुरुआत छोटे स्तर से हुई थी। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ 31 अक्टूबर को आम निवेशकों के निवेश के लिए खुलेगा और 2 नवंबर तक इसमें बोली लगा सकते हैं, यानी इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू प्रति शेयर 10 रूपये है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 308 रूपया से लेकर के 324 रूपये प्रति शेयर है। 46 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 46 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 46 × 324 मतलब 14,904 रूपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 598 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 598 × 324 यानी 1,93,752 रूपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को प्रति शेयर 30 रूपये की छूट मिलेगी, यानी कर्मचारियों के लिए इश्यू का प्राइस बैंड होगा 278 रूपये से लेकर के 294 रूपये प्रति शेयर। इस आईपीओ के तहत कंपनी 365 करोड़ रुपए का ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। इस आईपीओ के तहत कंपनी ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रमोटरों और अन्य बिक्री शेयर धारकों के 4,12,48,162 शेयरों की बिक्री करेगी। आपको बता दूं कि आईपीओ लॉन्च होने से लेकर के आईपीओ के लिस्टिंग तक निवेशकों को कई चरण से गुजरने होते हैं, जैसे कि पहले तय तारीख के अंदर बोली लगानी होती है, उसके बाद आईपीओ का अलॉट किया जाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने आईपीओ में पैसे लगाए हैं तो वो आपको अलॉट होगा ही। तो जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होता है उनके पैसों की वापसी की जाती है। इसके बाद जिनको आईपीओ अलॉट होता है उनके डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर किया जाता है आईपीओ का। आपको बता दूं कि आईपीओ एफपीओ शेयर बाजार में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और बचत खाता भी होना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद आईपीओ शेयरों की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और एनएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। तो इन चरणों के बारे में आपको जानना जरूरी है कि ये चरण कब कब पूरे किए जाएंगे। तो बात हम कर रहे हैं होनासा कंज्यूमर के आईपीओ की। तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 7 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 8 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 9 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 10 नवंबर को और शेयर बीएससी और एनएससी पर लिस्ट होंगे। आपको बता दूं कि आईपीओ में भी आरक्षण लागू होता है। इस इश्यू में यानी होनासा कंज्यूमर आईपीओ में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि केवल 10% हिस्सेदारी ही रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, जेएम फाइनेंशियल और जेपी मॉर्गन, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज। अच्छा, आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो कंपनी आईपीओ से पैसे जुटा रही है उन पैसों का कंपनी करेगी क्या। तो होनासा कंज्यूमर आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल किन किन कामों में करेगी वो जान लीजिए। पहला, कंपनी के ब्रांडों के बारे में जागरूकता और दृश्यता बढ़ाने के लिए विज्ञापन पर खर्च करेगी। दूसरा, नए ईबीओ यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स स्थापित करने के लिए खर्च करेगी। तीसरा, नए सैलून स्थापित करने के लिए कंपनी की सहायक कंपनी भवानी ब्लंट हेयर ड्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी बी ब्लंट में निवेश करेगी
और चौथा सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों और अज्ञात अकार्बनिक अधिग्रहण के लिए करेगी। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं तो कंपनी साल 2022 में एक यूनिकॉर्न बन गई। शुरुआती दौर में कंपनी केवल मुंबई में प्रोडक्ट की सप्लाई करती थी, अब देश के 500 से ज्यादा शहरों में कंपनी के प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। कंपनी का सालाना रेवेन्यू करीब 1,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। डीमैट अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना होता है, जबकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास भी खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट खाता में मिल जाएगा और उस फॉर्म में आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए। अगर आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात कर लें। अब हम जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। कोई भी कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट होना चाहती है और पूंजी बाजार से पैसे जुटाना चाहती है तो वो आईपीओ लाती है। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी तो पैसे जुटाती ही है, साथ ही साथ आईपीओ में पैसे लगाकर निवेशक भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आईपीओ अच्छा होना चाहिए, तभी आपको रिटर्न की उम्मीद होती है। तो रिटर्न कैसे मिलता है? जिस कीमत पर आपको आईपीओ अलॉट किया गया है, अगर शेयर बाजार में उसकी बाजार कीमत उससे अधिक है तो आप उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। मान लिया कि किसी भी शेयर का अलॉट 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से आपको हुआ है और शेयर बाजार में उसकी बाजार कीमत 150 रुपये प्रति शेयर चल रही है, तो अगर आप अभी बेचेंगे तो आपको प्रति शेयर 50 रुपये का फायदा होगा। यही होता है आईपीओ से कमाई। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इस एपिसोड या फिर पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।